जलाशय है, इसमें अथाह पानी है। बहुत सदियों से यह बड़ा डैम बनाया गया है और इसको दुर्गाजी जलाशय के नाम से हम लोग जानते हैं। दुर्गावती जलाशय के पास आए हैं। यहाँ से हम लोग का मेन मिशन है शेरगढ़ किला घूमना, फिर भी हम लोग देखने के लिए आ गए हैं दुर्गावती जलाशय को, जो करमचट बांध के नाम से यहाँ जाना जाता है। उसी बांध पर एक उपहार के रूप में मिला है, जो दुर्गावती जलाशय योजना है। यहाँ से पहुँच जाता है कृषि करने के लिए। इसी तरह हम लोग बहुत दूर से चल कर आए हैं। हम लोग का गाँव ग्राम सोनगावा पड़ेगा। इस जलाशय को देखने के लिए हम लोग बहुत उतारू थे। आज कृपा है कि हम लोग इस दुर्गावती जलाशय के पास चले आए और जिस तरह से यहाँ अथाह पानी है, बहुत दूर में पानी है, देखने लायक है। यहीं से कृषि करने के लिए नहरों में, यहाँ से नहर का निकासी हुआ। इसी तरह से हम लोग घूम रहे हैं डैम को, और से यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। ये देखने लायक दृश्य है, चारों तरफ पहाड़ है इस अथु में। यहाँ पर पानी अथाह के रूप में है, चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है और पानी। यहाँ पर प्रत्येक दिन हजार के हजार जनसंख्या में लोग, और देख रहे हैं कि किस तरह से झाड़ी है, चल कर चलना पड़ता है सभी। था पानी देखने लायक है, यहीं से ढेर सारे नहर का निकासी किया गया। किसी के द्वारा चाहे देख लिए चारों तरफ पा, और देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा विशाल पहाड़ है। उसी पहाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ ये दुर्गावती जलाशय, सारा पानी यहाँ स्टोक किया जाता है। ज़्यादा पानी होता है बस, और हम लोग तुरंत शेरशाह किला घूमने वाले हैं। वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से शेरशाह सूरी का जो परिवार में को दफना दिया गया था, वो में 10,000 सैनिक मारे गए थे, उस के किले के अंदर हम लोग अब जाएंगे। यहाँ दुर्गावती जलाशय के पास अभी हम लोग हैं, तुरंत वहाँ भी हम लोग जाने वाले हैं। तो ठीक, हम लोग अभी बाइक पर बैठ कर देख रहे हैं, घूम रहे हैं दुर्गावती जलाशय डैम को, और जो एक पहाड़ दिखाई दे रहा है उसके पहाड़ के ठीक हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये अथाह पानी है, इसमें जो भी लोग यहाँ आते हैं देखने लायक है, देखने ही के लिए लोग आते हैं यहाँ पर, और अपने से सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर खतरा है। यहाँ फिर भी हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं, और यहाँ से हम लोग घूम करके फिर हम लोग का मेन मिशन है शेरगढ़ किला देखना। वहाँ पर वो शेरशाह सूरी पहले रहते थे, उनका परिवार रहता था। उन लोग को हम ठीक हम लोग पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, देखेंगे। और एक विशाल पहाड़ है, इस पहाड़ के नीचे से हम लोग घूम घाम कर आएंगे। उसके बाद तुरंत शेरगढ़ किला घूमने के लिए हम लोग जाएंगे। इस डैम में अथाह पानी है, देखने लायक है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है डैम के पास।
पानी में नहाने जो भी व्यक्ति नहाना चाहते हैं तो इस सीढ़ी के माध्यम से लोग उससे यहाँ एक सीढ़ी बनाया गया है नहाने के लिए, बच्चे नहा रहे हैं। यहाँ ताला बंद है, फिर भी दूसरे रास्ते से लोग जाकर वहाँ नहा रहे हैं, लेकिन खतरा भरा ये दूरवासी जलाशय हैं, लापरवाही नहीं करना चाहिए। जिस तरह से ये पहाड़ है आपको दिखाई दे रहा है, कितना ऊंचाइयों का पहाड़ है, चारों तरफ घने घने जंगल दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे और एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है। बहुत चला तो आगे मेन करके लगी।